हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने Realme 9 Pro फ़ोन में डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक किस तरीके से लगाएं। यहाँ पर आपकी जो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेटिंग होती है उसे किस तरीके से इनेबल करें। गाइस, ये जो फ़ोन है यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है वो आपको आपके फ़ोन की जो पावर बटन होती है वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया तरीका मिलता है जिससे हम यहाँ पर काफ़ी आसानी से अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में आपको वही तरीका बताने वाला हूँ और यहाँ पर लाइव डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा के दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे आल पे प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस, आपको यहाँ पर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगाने के लिए सबसे पहले तो अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है कि पहले तो आपको यहाँ पर जो भी आपने पहले पासवर्ड पैटर्न या फिर आपने जो भी यहाँ पर सेट किया था उसे सिंपली से अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद गाइस आपको सिंपली से यहाँ पर आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन मिलेगी थिम्स वाली, तो आपको जो थिम्स एप्लीकेशन है उसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। अगर आपको ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में ना मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली से अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आपको थिम्स का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही थिम्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होने लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर सर्च बार दिखेगा तो सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से Realme फिंगरप्रिंट, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर Realme फिंगरप्रिंट लिख के और यहाँ पर सर्च कर देना है। आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो होने लग जाएंगे। तो आपको यहाँ पर नीचे Realme Legacy उसके नीचे फ्री लिखा है ये शो हो रहा है, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, इसे आपको यहाँ पर एक डाउनलोड की बटन मिलेगी, पहले तो इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले इसे डाउनलोड कर लिया तो मेरे पास अप्लाई का बटन आ रहा है, तो गाइस आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पर जो टिक है गाइस ये होम स्क्रीन से हटा देना है, सिस्टम और आइकन इन तीनों चीज़ से यहाँ पर हटा देना है, ओनली लॉक स्क्रीन पर रखना है क्योंकि हमें यहाँ पर फ़ोन का सिर्फ लॉक सिस्टम चेंज करना है, तो हमें सिर्फ लॉक स्क्रीन पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई वाली बटन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पर अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर बैक आ जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर बैक आ जाता हूँ। इसके बाद गाइस आपको अपने फ़ोन को यहाँ पर ऑफ़ करना है। फ़ोन को ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर गाइस जैसे ही आप अपने फ़ोन को ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे जो फिंगरप्रिंट का साइन है वो शो होने लग जाएगा। मैं यहाँ पर बिना फिंगरप्रिंट पे यहाँ फिंगर रखे फ़ोन को यहाँ पर अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा फ़ोन यहाँ पर अनलॉक नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैंने फिंगरप्रिंट पे यहाँ पर फिंगर रखा तो मेरा फ़ोन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से अनलॉक हो गया। सो गाइस, यही तरीका था जिससे आप भी अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। लेकिन गाइस ये जो फिंगरप्रिंट है ये एक एनिमेशन फिंगरप्रिंट है, ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, तो गाइस इसके साथ साथ आप अपने फ़ोन में जो फेस लॉक है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे आल पे प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।